खबर आपको बता दें, इंदौर में अतिक्रमण हटाने के दौरान हंगामा हो गया। जेसीबी के आगे महिलाएं खड़ी होकर विरोध प्रदर्शन करने लगी। लोगों ने नगर निगम की टीम को रोका। दरअसल कांग्रेस प्रत्याशी अक्षय कांति बम भी मौके पर पहुंचे और स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के लिए ये मकान हटाए जा रहे थे। और इस दौरान यहां जो तस्वीरें देखने को मिले, आप देख सकते हैं, महिलाओं ने जेसीबी के आगे खड़े होकर के विरोध जताया। इंदौर से ये तस्वीरें सामने आई, जेसीबी के आगे महिलाओं ने खड़े होकर विरोध किया और कांग्रेस प्रत्याशी भी मौके पर पहुंचे इनके समर्थन में। नगर निगम की टीम को काम करने से लोगों ने रोका। कांग्रेस प्रत्याशी अक्षय कांति बम भी मौके पर पहुंचे। मिथिलेश हमारे सहयोगी जुड़ गए हमारे साथ। मिथिलेश, आखिर क्या कुछ ताजा जानकारी मिल पा रही है इस एक्शन को लेकर? देखिए, ये विवाद है, ये बहुत पुराना विवाद है, लंबे समय तक से विवाद चलता आ रहा है। जहां पर इस वक्त कार्रवाई चल रही है मुझी लाइन पर, इसको लेकर कई बार नगर निगम वहां के अधिकारी आमने सामने हो चुके हैं। पूरा मामला कोर्ट तक गया था, कोर्ट से जो आदेश हुआ था वो प्रशासन यानी नगर निगम के पक्ष में हुआ था। नगर निगम के जो अधिकारी है आज सुबह बड़े हमले के साथ में मुझी लाइन पर पहुंचते हैं और जो मकान बने हुए हैं उन मकान को तोड़ने की कार्रवाई शुरू की जाती है, क्योंकि यहाँ पर ये मकान बने हुए स्मार्ट सिटी का एक प्रोजेक्ट शुरू करना है, स्मार्ट सिटी का काम वहां पर शुरू करना है। स्मार्ट सिटी के अधिकारी नगर निगम के अधिकारी मौके पर मौजूद है, लेकिन जैसे ही कार्रवाई के लोग पहुंचते हैं वहां के रहवासी जेसीबी के सामने आके खड़े हो जाते हैं। बड़ी संख्या में महिलाएं जेसीबी के सामने बैठ जाती है, जेसीबी के ऊपर लोग चढ़ जाते हैं, इसको लेकर काफी विवाद की स्थिति बनती है और अभी भी विवाद इस वक्त चल रहा है। भारी पुलिस फोर्स को लगाया गया है और बीच में कांग्रेस के जो लोकसभा प्रत्याशी यहाँ से अक्षय कांति बम और तमाम कांग्रेस के जो यहाँ के नेता है वो भी मौके पहुंच चुके हैं, कार्रवाई का विरोध कर रहे हैं। कांग्रेस के नेता रहवासी महिलाओं के साथ इस वक्त वहां पे मौजूद है। इस वक्त नगर निगम और रहवासी और कांग्रेस ये सबके इनके बीच में विवाद चल रहा है। विवाद की स्थिति देखते हुए आसपास के थाने को और फोर्स को बढ़ा दिया गया है, लेकिन इनके बीच में पुलिस ने सख्ती दिखाई है, उन सख्ती के बीच में मकान तोड़ने की कार्रवाई की जाएगी। नगर निगम ने स्पष्ट कर दिया है कि ये जो पूरा मामला है वो आदेश के बाद किया जा रहा है, जिसमें तमाम लीगल जो प्रोसेस है वो किया जा रहा है। तो पहले भी इसकी सूचना दी गई थी, तो नगर निगम ने कहा है कि किसी भी सूरत में कार्रवाई नहीं रुकेगी, कार्रवाई तो होगी और अगर किसी ने रोका तो उसके खिलाफ सरकारी काम में बाधा डालने की केस भी दर्ज किया जाएगा। लेकिन विवाद बढ़ चुका है, महिलाएं सामने आ चुकी है, सड़कों पर लोग बैठ चुके हैं, लगातार विवाद बढ़ता जा रहा है। लेकिन इस बीच में नगर निगम के जो अधिकारी है वो और भी उन्होंने हमने हमला को बढ़ा दिया है, फोर्स को बढ़ा दिया है, कार्रवाई करने की बात कही जा रही है नगर निगम के अधिकारी द्वारा कि बेवजह रोका जा रहा है, बेवजह इसमें राजनीति की जा रही है, जबकि हर चीज जो कानूनी जो पक्ष है उसके बाद किया जा रहा है, कानूनी प्रोसेस कानूनी नियमों के साथ किया जा रहा है, जो नियम है उसके तहत ही कार्रवाई की जा रही है। लेकिन कहीं ना कहीं एक मकान तोड़ने को लेकर यह पूरी विवाद शुरू हुआ था और विवाद में अब कांग्रेस भी मैदान में आ चुकी है और कांग्रेस लगातार राजनीति भी कर रही है कि ये मकान जो है वो गलत तोड़ा जा रहा है, लोगों के यहाँ से गलत हटाया जा रहा है। इन सब चीजों को लेकर इंदौर में इस वक्त काफी बड़ा विवाद चल रहा है। ठीक है मिथिलेश, आप रहिएगा, कुछ और खबरों पर आगे आपसे डिटेल लेनी है। बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल इस जानकारी के लिए। और इंदौर में पार्षद पति को जान से मारने की धमकी मिली है। दरअसल शनिवार शाम सुमित तलरेजा पर हमला हुआ था और तलरेजा पर हमले का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया। मुख्य आरोपी के बेटे ने हत्या की धमकी दी है, मोबाइल पर कॉल करके मर्डर करने की धमकी दी गई है। तलरेजा ने संयोगितागंज पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। मिथिलेश हमारे सहयोगी जुड़ गए। मिथिलेश, ये धमकी का आखिर क्या मामला है? इसका पूरी विवाद की शुरुआत में आपको बताना चाहूंगा कि एक पान मसाले के जो है उसको लेकर ही विवाद शुरू हुआ था। उस पूरे घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया था, जो पार्षद पति है उनके साथ में कुछ लोगों द्वारा मारपीट की जाती है, उन्हें धमकी दी जाती है, पूरी जो घटना है वो सीसीटीवी में कैद हुई थी। अब मारपीट के बाद में जो सोने की चैन है वो भी लूट कर ले गए थे। इस पर ये शिकायत की गई थी पार्षद पति के द्वारा थाने में, संयुक्तगंज थाने में। फिलहाल उसमें अब एक जो ऑडियो है वो सामने आ चुका है और उसमें उन्हें जान से मारने की धमकी दी जा रही है, उन्हें लगातार धमकाया जा रहा है। तो अब इस वीडियो के आधार पर भी जो धाराएं हैं वो बढ़ा दी गई हैं और इस वक्त जिसने धमकी दी है उसमें दो तीन लोगों को इसमें पूरे मामले में गिरफ्तार किया गया है। इसमें करण और करण के जो अन्य दोस्त हैं उन सभी को गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन पूरा जो मामला है वो बीजेपी पार्षद के पति के विवाद से जुड़ा हुआ है। पहले घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आता है, फिर जान से मारने की धमकी दी जाती है। तो ये कहीं ना कहीं इंदौर में जो अपराध है वो अपराध का जो ग्राफ है वो पुलिस के लिए भी एक चुनौती रहेगी इस पूरे मामले पर पटाक्षेप करने की। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए मिथिलेश।